सभी को नमस्कार। तो अपना टॉपिक चल रहा था बोर परमाणु मॉडल। उस बोर परमाणु मॉडल के जो बिंदु थे अपन ने कर लिए थे। आज अपन देखते हैं बोर परमाणु मॉडल की कमियां, परंतु उन कमियों को बताने से पहले हल्का सा जो कल अपन ने पढ़ा था उन पॉइंटों को देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं उसकी कमियां। तो बोर ने सबसे पहले किस परमाणु का मॉडल बनाया? आंसर रहेगा आपका हाइड्रोजन परमाणु का। दूसरा पॉइंट उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक स्थायी गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कोश या ऊर्जा स्तर। ठीक, स्थायी गोलाकार पथ में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, नहीं अवशोषण करता है। ठीक, और इन ऊर्जा स्तरों को उसने नाम दिया था के एल एम एन। क्या नाम दिया था? के एल एम और एन। ठीक, और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या उसने कितनी बताई थी? इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 2n2। कितने होती है? 2n2। ठीक है, और अंत में शेयर पॉइंट दिया था, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, नहीं अवशोषण करता है। और एक पॉइंट और उसने लास्ट में फाइनल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थायी गोलाकार पथ में तभी चक्कर लगाए जब उसके कोणीय संवेग का मान mvr बराबर nh / 2π का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित गोलाकार पथ में तभी चक्कर लगाता है जब उसके कोणीय संवेग का मान होता है nh / 2π, nh / 4π, कुछ भी रख देगा। n / 2π को तो वास्तविक मान क्या रहेगा? mvr बराबर nh / 2π का पूर्ण गुणज होता है। तो ये पॉइंट निकाले थे रदरफोर्ड ने। आप देखते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। सॉरी, नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां। तो इसकी क्या कमियां रही? तो नंबर एक है, यह परमाणु मॉडल उन परमाणु के मॉडल को समझने में ऐसा बना जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर दो है, यह परमाणु मॉडल उनको परमाणु के मॉडल समझने असमर्थता, यानी जो भारी परमाणु होते हैं, भारी परमाणु होते हैं उनके मॉडल को समझाने में असमर्थ रहा। नंबर तीन, यह जो परमाणु मॉडल है परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट इसने चौथी कमीशन निकाली, इसने लिए उच्च भेदन क्षमता वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी से अध्ययन किया, अध्ययन करने पर पाया कि जब किसी एक स्पेक्ट्रमी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह समीपवर्ती अनेक रेखाओं के समूह झुंड में बढ़ जाती है। मान लीजिए यह स्पेक्ट्रम रेखा है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में गुजार दिया तो यह समीपवर्ती अनेक रेखाओं के समूह में बढ़ जाती है। ऐसे तो जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह समीपवर्ती रेखाओं के समूह में बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं जीमान प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहते हैं? जीमान प्रभाव। और यदि इस स्पेक्ट्रमी रेखा को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब भी यह स्पेक्ट्रमी रेखा समीपवर्ती रेखाओं के समूह में झुंड में बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं स्टॉप प्रभाव। क्या बोलते हैं? स्टॉप प्रभाव। तो जीमान प्रभाव और जो स्टॉप प्रभाव था, इसकी व्याख्या भी बोर परमाणु के थ्रू नहीं कर सका। ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंटों का एक कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। बोर परमाणु के थ्रू के अनुसार या बोर परमाणु के थ्रू की कमियों में ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जब किसी
स्पेक्ट्रमी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, समीपवर्ती रेखा समूह में बढ़ जाती है, कहते हैं जीमान प्रभाव, स्टॉक प्रभाव या वो कुछ भी रख दे तो उसे क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव। और यदि इसको विद्युत क्षेत्र रखते हैं तब एक स्पेक्ट्रम रेखा अपने समूह में बढ़ जाती है, इस प्रभाव को कहते हैं स्टॉक प्रभाव। जीमान प्रभाव, स्टॉक प्रभाव की व्याख्या भी बोर परमाणु प्रतिरूप द्वारा नहीं की जा सकी। तो ये थी अपनी बोर परमाणु मॉडल की कमियां। तो क्या है यह परमाणु, भारी परमाणु मॉडल समझने में असमर्थ रहा, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझने में भी असमर्थ रहा, यह परमाणु मॉडल उन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने में भी असमर्थ रहा जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और नंबर चार इंपोर्टेंट, जीमान स्टॉक प्रभाव की व्याख्या भी परमाणु मॉडल नहीं कर सका। इसके बाद अपना एक छोटा सा मॉडल आता है लास्ट एंड फाइनल, उस परमाणु मॉडल का नाम है सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल। अपने परमाणु मॉडल करते कितने लिखवाए थे मैंने, चार, थॉमसन परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, बोर परमाणु मॉडल और एक सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल। तो लास्ट छोटा सा है अपना सोमर परमाणु मॉडल। सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल कहता है सोमरफेल्ड ने उच्च वेधन क्षमता स्पेक्ट्रम को विभेदित किया और अध्ययन करने पर पाया कि एक जो बोर ने ऊर्जा स्तर बताया था जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसके संबंध में सोमरफेल्ड ने कहा कि एक ऊर्जा स्तर अनेक उप ऊर्जा स्तरों में, एक ऊर्जा स्तर अनेक उप ऊर्जा स्तरों में बटा होता है, यानी एक ऊर्जा स्तर अनेक उप ऊर्जा स्तरों में बटा होता है। इन ऊर्जा स्तरों में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तब सोमरफेल्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार पथ में भी चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार, जिसे अंडाकार पथ कहते हैं, उसमें भी चक्कर लगाता है। जैसे जब इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार साथ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में भी चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी व कोण, अक्षीय कोण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। मान लिया कैसा कक्षक है, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार पथ, ये इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसकी दूरी क्या है आ, ये अक्षीय कोण क्या है, जो भी थीटा, सपोज यहां से चक्कर लगाता हो इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया या, तो इसका एंगल ये बदल गया थीटा, दूरी तो क्या है आ, ठीक। तो जब ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो इसके अक्षीय कोण और त्रिज्या दोनों परिवर्तित हो जाती है, जबकि केवल वृत्ताकार पथ में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, केवल वृत्ताकार पथ में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है वो तो नहीं परिवर्तित होती है, केवल उसका क्या परिवर्तित हो जाता है, अक्षीय कोण परिवर्तित होता है। तो ये तो अपना कौन से दीर्घ वृत्ताकार, ये कौन सा अपना वृत्ताकार, ठीक। ये बात किसने की, सोमरफेल्ड ने, कि परमाणु परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वृत्ताकार पथ के साथ साथ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में भी चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उसे नाभिक से दूरी और आर दोनों का मान परिवर्तित हो जाता है, जबकि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी परिवर्तित नहीं होती, केवल अक्षीय कोण परिवर्तित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वृत्ताकार पथ है यह दीर्घ वृत्ताकार पथ का एक भाग होता है। तो यह अपना कौन सा परमाणु मॉडल था, सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल, ठीक है। इस प्रकार जो अपने परमाणु मॉडल होते हो कंप्लीट होते हैं चारों, ठीक है। सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल, बोर परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और जे.जे. थॉमसन परमाणु मॉडल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।